जीव घबरा रहा है। क्या हुआ सोहन जी? क्या हुआ जीव घबरा रहा है यार? सोहन जी घबरा रहा है। और यार काफी दूर से आ रहे हैं ना अपन यार, कम से कम हम भाई 70 किलोमीटर चल चुके हैं यार। सही है भाई। दोस्तों मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, 70 किलोमीटर से हम दूर आ रहे हैं। मतलब इतनी दूर से दूरी गए हैं, इनको ठीक करा के लेके आए, तो काफी परेशान हो चुके हैं गाड़ी के अंदर। मैं गाड़ी आके रोकू क्या छगन जी? सोहन जी गाड़ी रोके क्या? रोकनी ही पड़ेगी। एक यार ये जगह पड़ी हुई, लो साइड में दबा दो ना गाड़ी। कोई दिक्कत नहीं, लो लो आप लोग जल्दी उनके जी को पानी वानी पिला दो। है कि गाड़ी के अंदर पानी में क्या? पानी की बोतल ले क्या अंदर भाई? पानी की बोतल चलो एक बार बैठो यार। कौन जाने वाले हैं? पूछने वाले हैं। बैठो, इन लेट हो रही है, जल्दी बैठो बैठो। एक बार आप बैठो अंदर यार, एक बार बैठो बैठो। थोड़ा दूर हो रहा है यार, थोड़ा दूरी हो रहा है। हां आराम से आप और लोकेश भाई बैठ कर लोकेश भाई पीछे पीछे आते रहे ना। हां भाई गाड़ी को सब सेफ्टी के साथ। 12 बजने की घड़ी है, टाइम देखो भाई कितनी बज रही है यार, है ना? बिल्कुल यार, थोड़ा कांच उतार दो ना, हवा आती रहेगी। अरे वो ठंड बहुत ही, काफी भाई सर्दी है यार। दो में थोड़ा हाथ फिर उनके रिलैक्स दो, रिलैक्स दो, रिलैक्स दो। पैक गाड़ी एकदम तो क्या टन मोड़ खराब है यार, वो जगह खराब है। बाइक अभी जस्ट है, बाइक की राइट चली आ रही, बाइक गिरा हुआ है। हां बाइक पड़ी यार, हां भाई बाइक पड़ी यार। देना उतना उतना देना, जल्दी उतरो जल्दी उतरो। और मैं लोकेश भाई, भाई 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 यार बाइक पड़ी हुई। छगन छगन जी, अरे यार बाइक पड़ी हुई। बाइक को खड़ी करो यार, खड़ी करो यार बाइक। भी हो सकता है बाइक पड़ी हो, मतलब हां इधर उधर। हां अकेली बाइक पड़ी हो, कोई बाइक पड़ी हुई कोई भी नहीं है। अरे अंदर देखो यार। हां अंदर कोई, अंदर कोई नहीं है, अंदर मेरे पास रहो। अरे यार भाई अब तो कोई है नहीं, कोई पास रहो भाई, कोई नहीं है। अरे यार घुस रहो भाई, ब्लड में गिर गया ये अभी। मैंने गाड़ी का ऐसा लाइट भी पड़ी भाई, एक बार है लाइट जली अभी, जेस्ट पड़ी यार गाड़ी, जेस्ट बड़ी है लाइट। मैंने बंदा कहां भाई? मैंने भाई कैमरे में देखना पिंटू भाई, मेरे को ऐसा लगा गाड़ी की लाइट जली। लाइट जली भाई, पक्का जली यार, पक्का जली ना। हां भाई चमकी गई सी थी और घड़ी भी यार बाप होने 12 बज रही है। ऐसा एक काम करते, लेट नहीं हुआ जल्दी जल्दी मोहन जी का भी, सॉरी इनका जो दिमाग खराब हो रहा है, जो अंदर ले पहुंचा दे इनको, सारा टाइम वेस्ट है। चलो गाड़ी थोड़ा साइड में रख ले। हां गाड़ी साइड में, छगन जी एक बार आओ आप। हाँ भाई आ गया, आ गया यार। क्या अननी हो रही यार। हाँ यार बाइक पड़ी हुई यार, बाइक अभी लाइट तो जली थी यार भाई। हाँ गाड़ी की एक गाड़ी नीचे गिरी हुई थी, लाइट किसी चमकी यार, पता नहीं कुछ मुझे चक्कर है यार। गाड़ी आ रही यार, कोई गाड़ी आ रही है। हाँ यार रात को सोनी की गाड़ी गिरी हुई साइड वाला साइड में। कार गई हुई, इनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ देखना। तो भाई पीछे देखना, वो निकल गई यार। कौन सी वाली फाटक है? ये वाली। जल्दी करो जल्दी उतारो नीचे, फाटक खोलो जल्दी से जल्दी ना, लेट नहीं हो। पीछे नहीं जाने दो, लोकेश भाई भी आ गई है। यार ये तो
अभी उनका जीव ठीक है ना। उधर दबाओ। आराम से। मुझे ऐसा लगता है यार पिंटू काफी कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ लग रही है। हाँ यार भयानक कोई कोई चीज है यहाँ पर ना। बाइक गिरी है, बंदा है भी नहीं है। हाँ भैया चाबी अंदर ही है, सोनजी को पकड़ो। गाड़ी के अंदर ही चाबी। हाँ यार कहाँ गए सोनजी यार? ये क्या तो इनको हाथ पकड़ो नहीं यार, क्या है मैं पकड़ा कौन भाई यार? कौन है उधर? द लोकेश भाई है। आराम से टाइम आउट हो चुका है भाई। सही। हाँ भाई कौन भाई? आप आ गया इस साइड आओ। भाई ये आराम से चलना है। है ये वही गन्ने है। कोई नहीं यार, इनको पूछो, इनको पूछो। दोस्तों हम 60 किलोमीटर दूर गए हैं सोनजी की तबीयत ठीक कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी हम वहाँ पर होटल पे खाना वाना खा के आए और 12 बजने आई है और बाइक गिरी, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस लोकेश भाई को आने दो यार। लोकेश भाई गाड़ी, लोकेश भाई अकेले पड़ गए पीछे यार। लोकेश भाई आगे से गए यार। लोकेश भाई कहाँ? वो रहे लोकेश भाई सोनजी के साथ है। आराम से ना, ये लेटा दो इनको। क्या हुआ? हम बेल ढूंढ के लाएंगे आपके, आराम से आप चिंता मत करो, बेल ढूंढ के हम लाएंगे। आप तसल्ली रखो, जहाँ लोकेश भाई जहाँ इनके बेल है आप लाएंगे आराम से। ज्यादा तबियत खराब है, ज्यादा भी कुछ इनको। अरे बेल उधर बंधे हुए यार, वो गाड़ी गिरी हुई है और वो बाइक हमारे सामने गिरी। मुझे डाउटफुल है दोस्तों, मैं दिल से बता रहा हूँ, गाड़ी में आते हुए वो लाइट जली उस गाड़ी की। सही है भाई, गाड़ी की लाइट आते अचानक गिरी है, बाइक पता नहीं समझ में आ रहा है हो क्या रहा है।
भाई तो मैंने भी देखी थी एकदम लाइट चालू मतलब इधर से नहीं आई मुझे लगा भाई आवाज इधर से आई यार वो देखो भाई वो देखो इधर से भाई वो देखो मैंने बोला कि आवाज इधर से आई भाई भाई कुछ गिरा है कुछ गिरा कोई आवाज कुछ नहीं यार भाई आई है नहीं नहीं अभी आई यार आवाज ऐसे आई यार भाई कोई है अंदर भाई आवाज तो नहीं आ रही है बंद हो गई आवाज तो यार ध्यान से ना आवाज आई है ऊपर से वो बाइक गिरी है कोई हॉस्पिटल ले गया हो कोई बंदे को बाइक वही गिरी हो किसी ने उठाई नहीं पूरा ऐसा ना कोई हो तो अकेला ये टाइट बहुत है ये गेट बहुत भारी है कैसे खुलता समझ लो निकालो उसकी कुंडी उसको छोड़ो निकल गया भाई आराम से ये एकदम सतर्क सतर्क रहना भाई बहुत छोड़ो पास तो कुछ है तुम चेक करने के लिए कोई नहीं कोई नहीं आराम से आराम से लाइट ले जाओ पिंडो पे लाइट ले जाओ लाइट जल्दी एक बार लाइट ले जाओ ओए ओए तो बैठो ओए भाई ओए भाई बैठो भाई क्या ओए ओए अरे भाई अरे भाई ये क्या हो रहा भाई यार भाई अरे यार भाई ये बंदा ये कैसे नहीं पता यार इससे रोड गाड़ी इसकी पड़ी है वहां पे इसका मतलब अरे बाप रे ये तो क्या यार मेरे पास सुनो ये वीडियो कम लेना भाई भाई ब्लड का मत ज्यादा मत बनना भाई लाइट भी कम होगी यार लाइट भी ऑटोमेटिक से भाई भाई देखो चलो चलो बाहर निकालना पड़ेगा चीज खड़ी है अगर हो गया कुछ सैलो भाई चाहे कुछ भी हो जाए उस बंदे को मैं बाहर लेके आऊंगा चिकन जी बाहर लाना होगा यार ऐसा नहीं होगा उसके चिकन में वो मर जाए यार अब ये कर जाए अब उमर ध्यान रखो मैं उस भाई को बाहर लेके आऊंगा चलो देना मैं उसको बाहर तो लाऊंगा पूरे बाप भाई ध्यान रखना अपना भाई तो भाई वो तो हल चलो नहीं हल चलो भाई भाई वो जा दो भैया भाई भाई उसका मर्डर करती हो इसके ऊपर ही हो उसको फेंक दिया बाकी बहुत भारी मेटर हो सकता है गंभीर है कुछ कहा भाई ये छोड़ो यार उस बंदे को यार हॉस्पिटल ले जाना होगा यार जल्दी से जल्दी भाई चुपचाप भाई हलचल मत करो तुम इसको पहुंचो मैं आ रहा हूँ मैं सोहन जी के साथ कुछ जो भी है बात करता हूँ उनको बोलना है बताना मत सोहन जी को मैं बोल रहा हूँ
सोनजी और डर जाएंगे भाई, उसको बोलो मत चल से ले जा, सोनजी को बोलना मत यार ऊपर से फेंका। हाँ खींच लिया ये कोई चीज, इसको खींच के लाके और ऊपर से पटक दिया है और पटक दिया हो सकता है भाई, इसको कुछ कर रही हो नमाय, इसको फेंक दिया हो इसे भी। मैंने ध्यान से देखा उसको लगी कुछ नहीं है, खाली जो ऊपर से फेंका है उसके जो ये जो कैलू है ना यहाँ थोड़ा सा होट कट गया था उसका। अरे उसका हुआ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने ध्यान से देख लिया वो इस तलवार से वो चीज गायब हुई है। सही है भाई, जैसे आपने तलवार फेंकी वो चीज गायब हो गई है। अब क्या करें भाई, उसको कैमरा बंद करके उसको ले जाना होगा यार, ऐसा नहीं हो उसके लेट हो जाए। अभी हमें एक घंटा मुझे लगेगा उस भाई को हॉस्पिटल पहुँचाते ही, और मैं उसकी डिटेल देता हूँ वो जब तक इनको मैं लोकेश भाई सॉरी आप यही सुना होगा आपको कहाँ है लोकेश भाई, किधर है लोकेश भाई, उनको लेके गए साथ में। आप कैमरामैन भैया इनका सुरक्षा करो, ये इधर ये तलवार आपको दे रहा हूँ, ठीक है ये आप पकड़ो। और पिंटू भाई ये अपन निकलते हैं क्योंकि गाड़ी उनको चलाना नहीं आती है। दोस्तों जब तक कैमरा बंद कर रहा हूँ मैं, आगे की अपडेट जो भी है मैं देता हूँ, क्योंकि ये बात मैं नहीं कर सकता, काफ़ी मुझे एक अंदर से मेरे को दिल का जो हार्ड है वो काफ़ी हो गया भारी। जय हिंद जय भारत, जब तक लिए भाई बंद करो।